आपके ये जो कांटेक्ट होने से पहले की, जी अभी बोलो। मैंने ग्रुप में ऐड नहीं हुई थी, पर ये मई की है, पिछली मई की मैंने आपके ये नेट नेट पे देखा था, तो ठीक मैंने है 1122 लिख के रखा, तो पहले लिखने के 2 दिन बाद मुझे 70,000 रुपये मिले। गुड। उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उसे उससे पहले मेरे चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो मैं आपसे यानी कि रबते में थी, लेकिन आपसे रबता हो नहीं सका, ठीक है ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने 6-7 माह जद्दोजहद के बाद ऐड हुई हूँ, तो फिर मैंने कर्जा हम पे बहुत ज़्यादा था, मेरे हस्बैंड का यानी कि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, सेलों का बिजनेस था, तो उस कर्जे के सिलसिले में और चोरी के सिलसिले में मैं ऐड हुई थी। तो फिर मैंने जब ये 1122 आपने जुमेरात को लिखवाया, तो उसके बाद मुझे मिले 1.5 लाख रुपए, गुड। यानी कि वो किसी से लेने थे। ठीक है उसके आगे बाद जब आपने कंसर्न्स। 4,400 रुपये वाली बात की, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो वो मुस्कुराने लगे, कहते अगर किसी के पास ना हो तो, मैंने कहा वो नियत कर ले, जब हो तब दे दें। हाँ बात तो वही वो है। कहते सुबह दूंगा, कहते सुबह दूंगा, तो यकीन करें उनके पास 4 लाख रुपए आ गए, कहीं से उम्मीद नहीं थी। गुड। तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे ये पैसे दें, नहीं तो असर खत्म हो जाएगा। हाँ सही बात है बिल्कुल ऐसा ही। दिस इज एक फैक्चुअल चीज़ है। अगर नियत कर ली है तो जी वाजिबुल अदा है वो। यू हैव टू पे इट एज द मनी कम्स। यही गलती करते हैं लोग कि बाद में देख लेंगे कल को कर लेंगे। एंड दिस वर्क्स इन अक्रॉस द बोर्ड एंड एवरीथिंग। जब आपने सोच लिया है देने हैं तो देने हैं। जी आगे बोले। निशान साहब, फिर उन्होंने मुझे दे दिए। एक मेरी बेटी है,